हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पंत कुमार चंद्र। चलिए आपको बताते हैं कि CSVT की वेबसाइट पर ऑनलाइन फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहले आप CSVT की वेबसाइट को ओपन कर लें। लॉगिन कर लें। देखिए दोस्तों, ये CSVT का यानी पेज ओपन हो रहा है। उसके बाद हमें जाना है रिजल्ट वाले ऑप्शन पर और उसे क्लिक कर देना है, ये पहले वाला। देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट वाला ऑप्शन खुल चुका है। अगर आप BE वाले हैं तो आपको पिछला रिजल्ट जो आया है उस वाले लिंक पर आप क्लिक करें। जैसे कि दोस्तों, मैं अभी माइनिंग 5th सेम में हूँ, तो ये मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग 4th रेगुलर एंड बैकलॉग वाला यानी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप BE वाले हैं तो आप BE वाला क्लिक करिए, या डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाला। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पेज ओपन हो रहा है। अब उसके बाद आपको जाना है इसमें स्टूडेंट प्रोफाइल पर जाना है और उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस टाइप का यानी पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा फ़ोटो शो हो रहा है। अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ़ोटो के नीचे में ही दो तीन ऑप्शन, आप उसे क्लिक कर लें या फ़ोटो को ही क्लिक कर लें। इससे आपको यानी फ़ोटो सिग्नेचर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना फ़ोटो क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने एक बार यानी क्लिक कर दिया फ़ोटो को। देखिए दोस्तों, इसमें अपलोड इमेज करके ऑप्शन आ गया है। अगर मैं इस अपलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों, फ़ोटो क्लिक करने के बाद इस टाइप का यानी पेज ओपन हो रहा है जिसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर एवं थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का वही निशान यानी स्कैन करके अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, ये मेरा अपलोड इसीलिए यहाँ पर कट करके दिखा रही है लाल रंग में। आपका यानी अपलोड नहीं होगा तो यहाँ पर अपलोड कर लें, अपलोड करके सेलेक्ट कर लें और अपलोड कर लें। फिर यहाँ पर लास्ट में दोस्तों आप सेव कर लें। सब चीज़ यानी होने के बाद, तीनों चीज़ अपलोड होने के बाद सेव कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।